चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या दावत, ऑफिस हो या स्कूल, हर जगह परफेक्ट रहेंगी ये छह तरह की कचौड़ी। हाय फ्रेंड, कुक सम टेस्टी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए छह तरह की कचौड़ी लेके आए हैं, तो अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे मूंग दाल की कचौड़ी। ये हमने मूंग की दाल ली है, इसे हमने 4 घंटे पहले भिगो दिया था और अब इसे हम पीसने जा रहे हैं। फ्रेंड, इसके लिए हम मसाला पीसेंगे। इसके लिए लिया हमने साबुत धनिया, जीरा, अजवाइन, सौंफ, हरी मिर्च, लहसुन, ये इन सबको हम मिक्स करके पीस लेंगे। तो फ्रेंड, इसे हमने पीस लिया है, दरदरा और मोटा पीसा है हमने। फ्रेंड, ये हमने मूंग दाल पीस लिया, अब हम इसको भून लेते हैं। तो फ्रेंड, हमने गैस ऑन कर दी, अब हम इसमें तेल डालते हैं। ये हमने डाली हींग, ये डाला हुआ हमने खड़ा मसाला जो भी पीसा है, पहले हम इसको भून लेंगे। नमक, इसमें हमने गरम मसाला डाल लिया है फ्रेंड, इसको ऐसे भुनने देंगे, एकदम ढाबे स्टाइल में बनेंगी। ढाबे में यही यूज करते हैं, यही मसाला, खड़ा मसाला। आज की कचौड़ी हमारी बहुत ही हेल्थी होने वाली है, क्योंकि आज हम इन कचौड़ियों को आटे से बनाएंगे, ना कि मैदा से। अब हम डालते हैं इसमें दाल। और हम इसको भूनेंगे। देखिए फ्रेंड, दाल हमारी लगभग भून गई है। दाल ने फ्राई पैन को छोड़ दिया है, देखिए। जितनी अच्छी भुन जाएगी उतना ही आप कई दिन तक रख के खा सकते हैं। तो फ्रेंड, देखिए दाल भुन गई है। अब हम गैस को ऑफ करते हैं और हम अब कचौड़ी के लिए आटा तैयार करते हैं। तो फ्रेंड, हमने ये एक बॉल आटा ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, अजवाइन क्रश करके डालेंगे, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी। और अब इसमें हम घी डालेंगे। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। जितना अच्छे से मिल जाएगा उतनी ही हमारी कचौड़ी खस्ता होगी। मैदा फ्रेंड्स ज्यादातर नुकसान करती है, पेट के लिए हानिकारक होती है। गेहूं
का आटा हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए हम गेहूं के आटे की बनाएंगे। अच्छे से हमने मिला लिया है, ऐसे आटा बनने लगे तो समझो अच्छे से मिल गया है। चलिए तो हम इसमें पानी डाल के तैयार करते हैं। तो फ्रेंड एक छोटी कटोरी हम इसमें बेसन भी ऐड करेंगे, इससे हमारी कचौड़ी और भी स्वादिष्ट हो जाएंगी। तो फ्रेंड देखिए आटा हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रखेंगे, इसके लिए कि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो फ्रेंड अब हम कचौड़ी को तैयार करते हैं। अब हम इतनी इतनी गोली तोड़ लेंगे। और ऐसे कर लेंगे। ऐसे करके ऐसे भर लेंगे और बंद कर देंगे। उसे ऐसे तोड़ के निकाल देंगे। ऐसे करके दबा देंगे, बीच में ही दबाएंगे। देखिए कचौड़ी तैयार है। तो फ्रेंड तेल गरम हो गया है, अच्छे से गरम हो गया है। अब हम अपनी कचौड़ी डालते हैं। कचौड़ी सिम गैस में ही सेकेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे से सिकने देंगे। तो फ्रेंड देखिए अब हम इनको पलट देते हैं। ये लोग यही ट्रिक अपनाते हैं, खड़ा मसाला डालते हैं। ऐसे ही हम ये और डाल देते हैं। कम गैस में ही सिकेंगी। तो फ्रेंड देखिए अब हम इनको पलटते हैं। सिम गैस में धीरे धीरे सिकने देंगे। बार फिर पलट देते हैं। देखिए एकदम खस्ता, एकदम खूब फूली फूली है ना, ढाबे की तरह एकदम ढाबे स्टाइल में। ये ढाबे वाले ये ट्रिक अपनाते हैं, खड़ा हुआ मसाला डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड हमारी कचौड़ी फूल के खस्ता हो गई है। देखिए ये खुल गया है, इसका मतलब ये है कि अंदर से अच्छे से सिक चुकी है। तो फ्रेंड कचौड़ी हमारी सिक गई, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारी सेक लेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम और डाल देते हैं।
देखिए फ्रेंड, जैसे जैसे हमारी कचौड़ी सिकती जाएगी अपने आप ऊपर आती जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, कचौड़ी हमारी सिक चुकी है। तो देखिए फ्रेंड, कचौड़ी हमारी तैयार है। अब हम बनाएंगे आलू की खस्ता कचौड़ी। इसके लिए हमने लिया ये आटा। इसमें हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, ये नमक, ये अजवाइन, कसूरी मेथी, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। दस मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तो फ्रेंड, हमने ये उबले हुए आलू ले लिए, अब हम इनको छील लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये आलू छील के हमने ये कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालना है धनिया पिसा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई, इसी लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी सी अजवाइन, और अब इसे हम तैयार कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और फ्रेंड, ये हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालते हैं। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं। आटा हमारा सेट हो चुका है, ये देखिए। इसमें हमने हरा धनिया डाल लिया है, और अब हम इसमें ये आलू सेट करते हैं। देखिए फ्रेंड, ऐसे ही सारी बना लेंगे। तो फ्रेंड, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें कचौड़ी डालते हैं। सिम गैस में डालेंगे और 5 मिनट तक हम इसे छुएंगे भी नहीं। जब हो जाएंगे तो अपने आप ऊपर आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, कचौड़ी ऊपर आ गई है फूल के। अब हम इसको पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड, कचौड़ी सिक चुकी है, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारी आलू की कचौड़ी देखिए तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड, हमारी गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी तैयार है। अब हम मक्के के आटे कचौड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए लिया हमने एक कटोरी मक्का का आटा, एक कटोरी गेहूं का आटा, कद्दूकस की हुई गाजर, कद्दूकस किया हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, उबला हुआ आलू,
कटी हुई हरी मिर्च, ये नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें पानी नहीं पड़ेगा, इसी से हो जाएगा। इसमें हम दही डालते हैं, तो देखिए फ्रेंड आटा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। अब 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड आटा हमारा सेट हो गया है। तो अब हम कचौड़ी बनाते हैं मक्का के आटे की। तो फ्रेंड देखिए हमने इतनी बड़ी लोई ली है, इसकी हम कम से कम 4 कचौड़ी बनाएंगे एक साथ। इसके लिए डाला हमने थोड़ा गेहूं का आटा और एकदम आराम से बेलेंगे, कोई जोर नहीं लगाएंगे। ये देखिए
तो देखिए फ्रेंड, ये हम निकाल लेते हैं और दूसरी हमने कचौड़ी फिर लगा दी है। तो देखिए फ्रेंड, कचौड़ी हमारी सिक चुकी है। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं और गैस को ऑफ करते हैं। मक्के की कचौड़ी तैयार है। तो फ्रेंड, मक्का की कचौड़ी हमारी तैयार है। अब हम लच्छेदार प्याज की कचौड़ी और मूली की चटनी बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे मूली की चटनी। इसके लिए लिए हमने मूली, लाल मिर्च सूखी हुई, कड़ी पत्ता, विनेगर, टमाटर, सरसों, अदरक और लहसुन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूली को ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहें तो काट लें, काटने में देर लगेगी। काटने में जब बनाएंगे तो देर लगेगी, ऐसे जल्दी बन जाएगी। देखिए इस तरीके से हम सारी ग्रेट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कढ़ाई हमने रख दी है, इंडक्शन ऑन कर दिया है। अब हम इसको गर्म होने देते हैं। तो फ्रेंड, इसमें हमने तेल डाल दिया है, अब हम इसको गर्म होने देते हैं। पहले हम लहसुन को भूनेंगे। इसका कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन हमारा भुन चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं। ये चटनी मूली की आपने कभी खाई नहीं होगी, एक बार मेरे का ट्राई अवश्य करिएगा। बहुत ही मजेदार बनेगी, चटपटी और जायकेदार। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। इसका भी कच्चापन दूर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अदरक भी हमारी भुन चुकी है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे लाल मिर्च। इनको भी भून लेंगे। ये भी भून चुकी, इनको भी निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे कड़ी पत्ता, जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी सरसों, और डाल देंगे इसमें मूली। इसको तैयार करेंगे। आप चाहें तो कद्दूकस कर लें, आप चाहें तो काट के भी बना सकते हैं। काट के बनाने में देर लगती है, ऐसे जल्दी बन जाएंगे। नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इसमें डालें थोड़ी सी हींग। डालेंगे पिसा हुआ टमाटर, विनेगर, ताकि इसमें खट्टापन आ जाए, खाने में भी स्वादिष्ट बने। तो अब हम इन चीजों को पीस लेंगे चटनी के लिए। मिर्च, अदरक फ्राई की हुई, और लहसुन, इन सब चीजों को हम पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मूली हमारी पक गई है। अब इसको हम ठंडा होने देंगे। जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसको पीसेंगे। तो इंडक्शन को ऑफ करते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, मिर्च, लहसुन और अदरक हमने पीस लिया है। अब हम इसमें मूली डालते हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, चटनी मूली पीस चुकी है। अभी इसमें हम तड़का लगाएंगे। तो इंडक्शन को ऑन करते हैं, एक बार फिर कढ़ाई रखते हैं। इसमें डालेंगे सरसों, चटकने देंगे, कड़ी पत्ता, इंडक्शन को लो करेंगे और इसमें थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, इससे कलर और भी अच्छा डार्क हो जाएगा, खाने में भी मजेदार होगी। और अब लगाते हैं तड़का, इंडक्शन ऑफ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। तो देखिए फ्रेंड, मूली की चटपटी चटाकेदार चटनी तैयार है। अब हम प्याज की लच्छेदार कचौड़ी बनाएंगे। उसके लिए मसाला तैयार करते हैं। इंडक्शन को ऑन कर दिया है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है। कढ़ाई गर्म होने के इंतजार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, रिफाइंड हमने लगा दिया है, उसको गर्म होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, तेल हमने डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं। थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, इन सब चीजों को भून लेंगे। और डालेंगे काली सरसों, और इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज, इसको भूनने देंगे। और इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, इसको भूनने देंगे। बेसन, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू, ये बड़े बड़े चार आलू है, देखे फ्रेंड, कचौड़ी भरने वाली स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा
कचौड़ी की फिलिंग तैयार हो गई है। अब इंडक्शन को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। फ्रेंड अब हम प्याज की कचौड़ी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए एक कप मैदा लिया है और इसे हम मिक्स करके बनाएंगे क्योंकि ये नुकसान कर सकती है। तो एक ही कप आटा लेंगे, एक कप आटा है। आप चाहें तो पूरा मैदा से ही बना सकते हैं या आटा से बनाए तो आटा से भी बना सकते हैं। अजवाइन एक चम्मच, नमक एक चम्मच और इसमें डाल देते हैं तेल और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड इसको ढंग से मिला लिया। देखिए ऐसे बनने लगे तो समझ लो कि अच्छे से मिल गया है मोहन। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तैयार करेंगे। थोड़ा पानी और डाल देंगे और इसी तरीके तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड मैदा हमारी तैयार हो गई है। तो देखिए फ्रेंड मैदा तैयार हो गई। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो गए हैं, मैदा हमारी सेट हो चुकी है। थोड़ा और मसल लेते हैं और इसकी गोलियां तोड़ लेते हैं। इस तरीके से इसे बेल लेंगे। ना ही ज्यादा मोटा बेलेंगे ना ही ज्यादा पतला। इसको हमने बेल लिया है। अब हम इसमें तेल लगाएंगे। मैदा इस पे डालेंगे। इसको इस तरीके से कर लेंगे। थोड़ा सा तेल लगाएंगे फिर इस तरीके से कर लेंगे। फिर इस तरीके से अब हम फोल्ड कर लेंगे। फिर थोड़ा सा मैदा डालेंगे फिर फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से तो देखिए फ्रेंड इस तरीके से अब हम इसको बेल लेंगे। ये देखिए फिर लगा देंगे। थोड़ी सी मैदा फिर डाल देंगे। और इसका रोल बना लेंगे।
रोल में बिल्कुल गैप नहीं रहना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से, रोल इसे हम चाकू से नहीं काटेंगे, एक धागे से काटेंगे। इसे हम चाकू से इसलिए नहीं काटेंगे क्योंकि इसकी शेप बिगड़ जाएगी। तो देखिए इस तरीके से रखेंगे धागे को और इस तरीके से कर देंगे। तो देखिए इसको इधर से नहीं बेलेंगे, इधर से बेलेंगे ताकि इसका सेफ अच्छा आए। ऐसे हम और तैयार कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड इसको इधर से नहीं, इधर से बेलेंगे। तो देखिए इस तरीके से बेल देंगे। तो देखिए आराम से बेलेंगे, इससे सीखने पे कई परतें निकलेंगे, इसमें लच्छेदार कचौड़ी बनेगी। ये देखिए दिख रही है आपको, ये देखिए तो इस तरीके से हमने इसको बेल लिया है। तो देखिए इसकी परतें साफ साफ नजर आ रही हैं। अब हम इसमें फिलिंग भर लेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से बंद कर देंगे। तो देखिए मैं कचौड़ी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए ऐसे ऐसे भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये देखिए परत आप दूर से देख सकते हैं। इसमें फिलिंग मार लेंगे। देखिए इस तरीके से इसे भी इस प्रकार बंद कर लेंगे। इस तरीके से बंद कर देंगे इसे। ये देखिए ऐसे हम और तैयार कर लेंगे। ये देखिए तो देखिए फ्रेंड तेल हमने गर्म होने रख दिया है। अब हम इसके गर्म होने के इंतजार करते हैं। देखिए फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें कचौड़ी डाल देते हैं। कचौड़ी लो फ्लेम पे सेकेंगे ताकि अंदर अच्छे से सिक जाए। तो देखिए फ्रेंड अब हम इनको पलट देते हैं। ये सिक के ऊपर आ चुकी है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड कचौड़ी सिक चुकी है और हम इसको निकाल लेते हैं।
तो देखिए फ्रेंड, ये सिख चुकी हैं, अब इनको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए इसकी परत दिखाई दे रही है, एक एक परत खुल चुकी है, देखिए देख सकते हैं आप लोग। प्याज की लच्छेदार कचौड़ी, एकदम खस्ता जायकेदार, आप इसे एक हफ्ते तक स्टोर करके खा भी सकते हैं, नाश्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं इसे। ऐसे ही हम और बना लेंगे। तो फ्रेंड, लच्छेदार प्याज की पकौड़ी तैयार है, देखिए कितनी अच्छी बनी है, देखिए मेयर। तो फ्रेंड, प्याज की लच्छेदार कचौड़ी तैयार है। अब हम हरी मटर की कचौड़ी बनाएंगे। इसके लिए लिए हमने मटर, मटर को हम मोटा मोटा पीस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया हमने जार, जार में ये डालते हैं मटर। मटर को हमने पहले ही धो के सुखा लिया है, अब हम इसको पीसते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये मटर हमने पीस लिया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं। और इसी जार में हम ये हरा धनिया पीस लेंगे, हरा धनिया डालेंगे। ये हरी मिर्चे कटी हुई, 7 मिर्चे काट दी हमने। ये कटी हुई अदरक, ये लहसुन, अब हम इसको पीस लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हम मैदा तैयार कर लेते हैं कचौड़ी के लिए। एक बाउल लिया हमने आटा, और एक बाउल ली हमने मैदा। ये डाला हमने नमक, ये डाली हमने अजवाइन, ये डाला हमने तेल और हम इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, मैदा हमने अच्छे से मिला ली है, और देखिए ऐसे भी जब बनने लगे तो समझो कि अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें पानी डालते हैं। ये मैदा वाली बाउल में पानी ले लिया हमने, ये इसको हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। मैदा तैयार हो चुकी है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट में रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, गैस हमने ऑन कर दी है, फ्राई पैन रख दिया है, अब हम इसका मसाला बनाते हैं। अब हम इसका मसाला बनाते हैं। इसके लिए डाला हमने रिफाइंड, इसको गर्म होने देते हैं।
इसमें डाली थोड़ी सी अजवाइन, चटकने देते हैं। ये डाली हमने पिसी हुई मटर, इसको भूनेंगे। और ये हमने डाला पिसा हुआ धनिया, अदरक और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। इसको हम भूनेंगे और इसमें डाला हमने नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और इसको चलाएंगे। ये डाला हमने सब्जी मसाला, इसको ऐसे भूनते रहेंगे जब तक सूख ना जाए। तो देखिए फ्रेंड, मसाला भुन गया है। अब गैस को हम ऑफ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैदा हमारी तैयार है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इतनी इतनी बड़ी लोई ले लेंगे और ऐसे करके इसमें यह मसाला भर देंगे और यूं करके बंद कर देंगे। ऐसे करके हम सारी भर लेंगे। देखिए, पहले ऐसे किया, अब हम इसमें मसाला भरेंगे। ये मसाला भर दिया और हमने यूं करके बंद कर दिया। तो देखिए फ्रेंड, ऐसे हम सारी भर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, गैस हमने ऑन कर दी है, कढ़ाई में तेल लगा दिया है, तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम कचौड़ी बना के डालते हैं इसमें। तो देखिए फ्रेंड, कचौड़ी हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके ऐसे कर लेंगे और डाल देंगे। ऐसे ही हम ऐसे ही ये सारी बना लेंगे ऐसे करके, और ऐसे इसे भी डाल देंगे। इसे हम सिम गैस में बनाएंगे। ये देखिए, इसे बेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, मटर का मौसम है, आप खूब बनाकर खाइए। कचौड़ी, पराठा, पूड़ी, ये देखिए ऐसे ही बनाना बहुत आसान है। और हम इन्हें सीखने देंगे। देखिए फ्रेंड, जो जो कचौड़ी सीखती जाएगी, ऊपर आती जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, ये ऊपर आ गई है। ये देखिए, इसको पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड, कचौड़ी हमारी सिक गई है। अब हम इसको निकालते हैं।
ऐसे ही हम सारी बना लेंगे। तो फ्रेंड मटर की कचौड़ियां गर्मा गर्म बनाइए, खाइए और हमें बताइए कि कैसी बनी है। ऐसे ही हम और लगा देंगे। ऐसे ही और डाल देंगे। और इसे जब तक ऊपर ना आ जाए तब तक छुएंगे नहीं। सेकने के बाद ऊपर आ जाएंगे अपने आप। तो देखिए फ्रेंड कचौड़ी फूल के ऊपर आ गई है। अब हम इसको पलटते हैं। तो फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। तो देखिए फ्रेंड कचौड़ी हमारी सिक गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी एकदम ढाबे स्टाइल में, एकदम मेरी बाजार के जैसी कचौड़ी है, कचौड़ी बनी हुई है। तो देखिए फ्रेंड खस्ता कचौड़ी तैयार है एकदम ढाबा स्टाइल में। आप भी बनाइए और खा के बताइए कि कैसी बनी। और अपना कमेंट हमसे शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड हरी मटर की कचौड़ी तैयार है। चाहे आप हरे धनिया की चटनी से खाइए, चाहे इमली की चटनी से खाइए। तो फ्रेंड मटर की खस्ता कचौड़ी तैयार है। अब हम चना दाल की कचौड़ी बनाएंगे। इसके लिए हमने चना दाल को रात में भिगो दिया था। देखिए अब अच्छे से फूल गई है चना दाल। देखिए तो अब हम इसको पीसते हैं। इसके लिए लिया हमने जार। जार डालेंगे चना दाल, थोड़ी थोड़ी करके पीसेंगे। इसमें डालेंगे 4 कटी हुई हरी मिर्च, 6 लहसुन छिला हुआ, 1 सौंफ, 1 अजवाइन, 1 जीरा। इसमें है लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची बड़ी और छोटी इलायची और काली मिर्च, ये भी डाल देते हैं। और इसमें डाल देंगे नमक। पिसा हुआ धनिया पाउडर और इसको पीस लेंगे। ये फ्रेंड दाल हमने पीस ली है। अब हम इसको भूनेंगे। कढ़ाई हमने रख दी है। अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल को गर्म होने देंगे। अब तेल में डालेंगे हींग,
और अब इसमें डाल देंगे पिसी हुई दाल। अब हम चने की दाल को अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसको बराबर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना, ये बिल्कुल सूख जाए तब तक चलाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, दाल का पानी सूख चुका है। अब इसे हम लो फ्लेम में भूनेंगे। देखिए ये कढ़ाई छोड़ रहा है, देखिए इसे अभी और भूनने की ज़रूरत है। देखिए एकदम कढ़ाई छोड़ते जा रहा है। इतना भुन गया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हमारे तरीके चने दाल की कचौड़ी अवश्य बनाइएगा, ये बहुत ही स्वादिष्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में बन रही है। दाल भुन चुकी है, अब हम इसको ठंडा होने देते हैं, डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब हम डो तैयार करेंगे कचौड़ी के लिए। एक बॉल हमने आटा लिया है, इसमें डालेंगे नमक, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड, ताकि हमारी कचौड़ी अच्छे से खस्ता हो जाए, और इसको मिला देंगे, अच्छे से मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड, हमने अच्छे से मिला लिया है, देखिए मोइन हमारा अच्छे से मिल गया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तैयार करेंगे। इसे ना तो ज़्यादा मुलायम करेंगे ना ही ज़्यादा सख्त करेंगे, डो को एकदम नॉर्मल तैयार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कचौड़ी के लिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, तेल हमने गर्म होने रख दिया है, अब हम गर्म होने का इंतजार करते हैं, तब तक कचौड़ी तैयार कर लेते हैं। गोला तैयार कर लेंगे, और इस तरीके से दाल भर लेंगे इसमें। और इस तरीके से इसका मुंह बंद कर देंगे। फ्रेंड, इस तरीके से हम सारी कचौड़ी बना लेंगे, हाथ से ही तैयार करेंगे, बेलेंगे नहीं। गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कचौड़ी डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड, कचौड़ी हम डालते हैं इसमें, इनको हम लो फ्लेम पे सेकेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब हम इनको पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड, कितनी अच्छी और खस्ता कचौड़ी बन रही है। देखिए ये यहाँ खुल गई है, इसका मतलब है ये अच्छे से सिक चुकी है और ये खस्ता है।
एकदम ढाबे स्टाइल। ये देखिए ये फ्रेंड, अब हम इनको निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम सारी सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड, चना दाल की रेस्टोरेंट स्टाइल में कचौड़ी तैयार है। तो फ्रेंड, 6 तरीके की खस्ता कचौड़ी तैयार है। खाइए और फैमिली के साथ मजा लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।